सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम के लिए और खोखर स्टूडियो के लिए, खोखर स्टूडियो की सारी टीम के लिए, भाई शकील के लिए, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म जो है इसका इनकार किया हुआ है और इनकी जो सारी मेहनत है आप जो देख रहे हैं, हम इन सारी चीजों के लिए, इन सारी बातों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं अब अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए खुदा के शुक्रगुजार हूं, सबसे पहले उस खुदा की ही जिसने मुझे इस काबिल बनाया है और मुझे इस लायक समझा है कि मेरा मुंह खुदा की सिताइश करे और मेरी आवाज खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इस बात के लिए मैं खुदा की थैंकफुल हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी दुआओं की वजह से, जिनके सपोर्ट की वजह से। आपको पता है सबसे खास चीज क्या होती है? सपोर्ट, घर से सपोर्ट। जब घर से आपको सपोर्ट करने वाली फैमिली मिलती है, घर से आपको सपोर्ट करने वाले आपके बहन भाई होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके खास अजीज होते हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं तो वो आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ी रीजन है, रास्ता है। जब आपको सपोर्ट किया जाता है, जब आपको कहा जाता है कि यस यू कैन डू इट, ऐसे ही है, जब आपको सपोर्ट किया जाता है तो आप कामयाब हो जाते हैं। आमीन। इसके बाद मैं अपने उस्ताद जी की शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर निकोलस फ्रांसिस साहब की, जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुई हूँ। और भाई हल्का हल्का म्यूजिक आप दे सकते हैं मुझे। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खोखर स्टूडियो की सारी टीम की। और आई थिंक 2016 में, अगर 2017 में खोखर स्टूडियो का वॉइस ऑफ वर्शिप और सीजन 1 का जो है वो इनकार हुआ था, जिसमें मैं इसी स्टेज पे, इस चेयर पर बैठी हुई थी, यहाँ पर जहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं। और मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा कह लें कि कंफ्यूज थी, क्योंकि ये जगह ऐसी है जब आप एक कंपटीशन में एज ए कंपटीटर आते हैं तो आपको, आपके साथ भी जो उस कंपटीशन में गाने वाले हैं उनका प्रेशर होता है, फिर जजिस का प्रेशर होता है, फिर पब्लिक का प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस जगह पर मौजूद थी सीजन 1 के वॉइस ऑफ वर्शिप में। आज भी बहुत सारे टीम के तो वही चेहरे हैं और पब्लिक के भी, आप सबों के भी वही चेहरे हैं मैं देख रही हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वॉइस ऑफ वर्शिप सीजन 1 में एज ए कंटेस्टेंट आई थी और खुदा के फजल से मैंने विन किया था। और उसके बाद सेकंड सीडी की तरफ आते हैं। अब जो वॉइस ऑफ वर्शिपर सीजन 2 है, सबसे पहले तो सीजन 1 की कामयाबी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। सीजन 2 का आगाज हुआ, इसके लिए मैं अगेन आप सबों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, कंटेस्टेंट्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ, सारी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सीजन 2 में मुझे मौका मिला कि मैं एक जज की खिदमत सर अंजाम दूँ। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।